अस्वीकार के अभाव के लक्षण हैं। जो अस्तित्व में है इसकी समझ न होने मात्र से इसमें अथवा इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के गुण स्वभाव धर्म एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग के क्षमता का विकास होता है। तो ब्रह्मानुभूति योग के क्षमता के विकास के लिए जो रास्ता बताए हैं वो है अस्तित्व में पाए जाने वाली वस्तु के रूप गुण स्वभाव और धर्म का अध्ययन करना। तो ब्रह्म ही सत्य, सह अस्तित्व ही परम सत्य, सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही आनंद है, आनंद ही अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही व्यवहार और प्रयोग सहज प्रमाण है, उत्पादन समत्व नियम पूर्वक, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व धर्म पूर्वक या समाधान पूर्वक, अनुभव का समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। वस्तु क्रिया रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। ब्रह्म सबका सहज अस्तित्व देश कालाभात है। मानव परिमार्जनशील है, उसी में अधिकार व अनाधिकार योग्य योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत क्रिया प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। सभी परमाणु ग्रह नक्षत्र आदि ब्रह्मा वेष्टित ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त है। तो सभी जो इकाइयां हैं वो क्रिया है, इकाई माने क्रिया, और क्रिया या फिर रचना के रूप में है, मानव होने पर व्यवहार की स्थिति में है, और इनमें परिणाम और परिमार्जन दोनों चीजें हो गई। तो चैतन्य इकाई में परिमार्जन शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है और जड़ में परिणाम ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा योग्यता से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। अभिप्रेत का मतलब है जो हम चाहते हैं, हमारी जो चाहना है, हमारी वांछा, वांछा, या इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं इष्ट। सभी परमाणु ग्रह नक्षत्र आदि ब्रह्मा वेष्टित ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त। संपृक्त शब्द का अर्थ हम लोग देखे हैं कि डूबा हुआ, भीगा हुआ, घिरा हुआ। ब्रह्मा वेष्टित, ब्रह्मा वेष्टित का मतलब ब्रह्म से घिरा हुआ। सभी ग्रह नक्षत्र परमाणु ब्रह्म में घिरा हुआ। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई है, प्रत्येक गठन में समाहित प्रत्येक अंश के सभी ओर ब्रह्म है। ब्रह्म प्रत्येक इकाई व अंशों में पारगामी है। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक है, इस गठन यहाँ पर इकाई का अर्थ परमाणु, तो परमाणु गठन के बाद ही परमाणु बनता है, कम से कम उसमें दो अंश होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई लिखा हुआ। व्यापक सत्ता पूर्ण ही है जिसकी अनेक संज्ञाएं हैं। आकाश और शून्य भी ब्रह्म सहज संज्ञा है। तो ब्रह्म के लिए आकाश संज्ञा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए। ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। ज्ञानावस्था की समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य केवल ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण ही है। ब्रह्मानुभूति ही सह अस्तित्व में अनुभव। तो ब्रह्मानुभूति और सह अस्तित्व में अनुभव दोनों समान, मतलब दोनों के समान अर्थ है, समानार्थी है। जीवन और ज्ञानावस्था की इकाइयां जड़ तथा चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट है। तो जीव अवस्था और ज्ञानावस्था में जीवन और शरीर दोनों चीजें होती है, ये हमको स्पष्ट रूप से पता है। प्राणावस्था में जीवन नहीं होता है, ये भी हमको पता है। और जीवावस्था का जो बहुत प्रारंभिक स्वरूप है जिसमें मेधस तंत्र तो होता है किंतु वो मेधस समृद्ध मेधस नहीं होता है, इसलिए वहां जीवन नहीं होता है। तो जो जीवावस्था का प्रारंभिक भाग है जिसको हम स्वेदज नाम से भी जानते हैं, उसमें मेधस तंत्र होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं।
जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। चैतन्य का तात्पर्य परमाणु का स्वयं में संवेदनशील व संज्ञानशील हो जाना है। जीवावस्था की इकाइयों में आशा का परिवर्तन तथा परिमार्जन, ज्ञानावस्था की इकाई में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का परिवर्तन एवं परिमार्जन सिद्ध है। तो जीवावस्था में संभावना केवल आशा में ही परिमार्जन होने की है। जो जीवन का जो पहला परिवेश है, मन उसमें क्रियाशील होता है, तो उसी में परिमार्जन संभव है। जबकि ज्ञानावस्था में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प अर्थात जीवन के सभी में परिवर्तन एवं परिमार्जन संभव है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु अपने कार्य क्षेत्र सहित कुंजाकार में है। कार्य क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर होगा कि जिस प्रकार के शरीर को चला रहा है उस प्रकार का उसका पुंज, उसी को कार्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई जीवन मानव के शरीर को चला रहा है तो उस जीवन का जो पुंज होगा वो मानव के आकार का होगा। यदि हाथी के शरीर को चला रहा है तो वो हाथी के आकार का वो पुंज बनेगा। इस प्रकार से इसको पुंजाकार कह रहे हैं, इसी को कार्य गति पर भी कह रहे हैं, इसी को कार्य क्षेत्र यहाँ पर कहा गया है। ज्ञानावस्था की प्रत्येक चैतन्य इकाई परमाणु समूह से युक्त आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प से युक्त है, इसीलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण। जो पहला जो कारण होता है, जैसे ही परमाणु गठन पूर्ण होता है वह समूह बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को लिखा है परमाणु समूह से मुक्त। तो अब वो परमाणु समूह से मुक्त हो गया है, अब वो किसी परमाणु से वो जुड़ के नहीं रह सकेगा। वो आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प से युक्त होता है और इसीलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण। आस्वादनापेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति सहज जिज्ञासा मोक्ष की ओर। आस्वादन के लिए जो इच्छा है उसी को बंधन कह रहे हैं। आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन हम लोगों ने इसको सुना है। तो आशा बंधन का अर्थ है आस्वादन की अपेक्षा, किसी प्रकार के आस्वादन से सुखी होना। यहाँ पर आस्वादन का जो मुख्य अर्थ है जड़ पक्ष के आस्वादन, जड़ पक्ष के आस्वादन में आसक्ति होना। आसक्ति का अर्थ है कि उसमें जितना सुख है उससे अधिक सुख मान लेना, उसको आसक्ति कहते हैं। तो जड़ पक्ष के आकर्षण से युक्त हो जाना ही बंधन है, उसी को आस्वादनापेक्षा बंधन की ओर कहते हैं। और उसके पहले ब्रह्मानुभूति के पहले उसकी जिज्ञासा होगी, ब्रह्मानुभूति की जिज्ञासा ही मोक्ष की ओर होती है। यहाँ पर ये कहा गया प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है, इसीलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संप्रुक्त, नियंत्रित, प्रेरित, क्रियारित एवं संरक्षित है। यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग्य अर्हता के लिए अभ्युदयशील है। संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में डूबा भिगा घिरा है, इस कारण नियंत्रित भी है, इसी कारण प्रेरित भी है और क्रियारत है और संरक्षित। तो ये सारी चीजें ब्रह्म में डूबे होने के कारण, ऊर्जा में डूबे होने के कारण यह क्रियाशील है। क्रियाशील होने के साथ साथ चूंकि सहस्तित्व है, कई प्रकार की क्रियाएं हो रही है, इसीलिए उसमें अंशों का आदान प्रदान होता है। अंशों के आदान प्रदान को ही हम विभिन्न परमाणु की जातियां कह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो परमाणुओं का अणुओं का संयोग को ही हम रचना कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस रूप में दिखती है। आत्मा में ब्रह्मानुभूति, बुद्धि में आत्मानुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति, वृत्ति में चित्तानुभूति तथा मन में वृत्ति सहज अनुभूति क्षमता होने तक जागृति क्रम है। यह अनुभव समुच्चय है जो समर्थ या सहज समाधि। तो यहाँ पर अनुभव और अनुभूति समानार्थी, अनुभव और अनुभूति एक ही अर्थ है। आत्मा में ब्रह्मानुभूति, आत्मा में ब्रह्म की अनुभूति होती है। बुद्धि में ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है, बुद्धि अपने से विकसित जो आत्मा है उसको अनुभूत कर पाता है। तो एक जो अपने से बराबर तक का तो मूल्यांकन हो सकता है या अपने से नीचे का मूल्यांकन हो सकता है। तो इसलिए एक प्रसिद्ध भाषा है मध्यस्थ दर्शन में कि अपने से जो कम विकसित है उसका दर्शन होता है और अपने से अधिक को जो पहचानने की जो क्रिया है उसको
अनुभव शब्द या अनुभूति शब्द से लिखा गया है। तो जब आत्मा ब्रह्म को पहचान लेता है या वह ब्रह्म में प्रत्यावर्तित हो जाता है, उसी को ब्रह्मानुभूति भी कहते हैं, उसी को ब्रह्म का अनुभव भी कहते हैं। और उस समय बुद्धि आत्मा को अनुभव करने लगती है, चित्त बुद्धि को, वृत्ति चित्त को और मन बुद्धि को अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए उस समय एक साथ सारी चीजें हो जाती हैं। आत्मा जब ब्रह्म में अनुभव करता है, उसी समय मन से लेकर आत्मा तक सभी अपने से विकसित को अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए इसको अनुभव समुच्चय लिखा हुआ है। ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति व अभाव के आरोप से मुक्त है और नित्य वर्तमान है। प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधता प्रकट है जो समाधान नहीं। अर्थात हर मनुष्य में प्राप्ति और अप्राप्ति को देखेंगे तो उसमें विविधता है। किसी को कुछ प्राप्त है, किसी को कोई दूसरी चीज प्राप्त, यही मनुष्य में विविधता है। और ये विविधता होना समाधान को व्यक्त नहीं करता, यह समाधान नहीं। ब्रह्मानुभूति सहअस्तित्व में अनुभूति ही पूर्ण समाधान है। जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म में ही है। आधार का तात्पर्य नित्य ब्रह्म में निरंतर अविभाज्य होने से है। इंद्रियों द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप में पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही हैं। चैतन्य के अभाव में इंद्रिय व्यापार नहीं है। जीवन न हो तो इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, इंद्रियों पर क्रियाशीलता नहीं। ज्ञानात्मा के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य केवल क्लेशों से मुक्ति पाना है। समस्याएं ही क्लेश हैं। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक ही सीमित हैं। जीवावस्था की इकाई जीवात्मा। तो जीवात्मा एक शब्द पहली बार हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में यहाँ पर। तो जीवावस्था के जीवन का नाम जीवात्मा दिया हुआ। आगे हम आगे के अध्याय में जीवात्मा शब्द का प्रयोग आया। संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान एवं भय ही समस्याओं के प्रधान कारण हैं। ये सब भ्रम हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। असंग्रह स्नेह विद्या सरलता सहजता अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण हैं। ये ही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण हैं जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। जो धर्मपूर्ण विचार के रूप में मानव व्यवहार दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, अध्ययन किया है, ये पांच जो चीज है असंग्रह स्नेह विद्या सरलता एवं अभय, ये धर्मपूर्ण विचार के रूप में हम सब इसको समझेंगे। तीव्र तापवश मरीचिका का, भूमि की अपारदर्शकता वश अंधकार का तथा देहात्मवादी कल्पनावश मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है वैसा ही भ्रमवश क्लेश होता है। देहात्मवाद का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेने से है, यही भ्रम। ये एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है देहात्मा, या देहात्मवादी भी कहते हैं इसको, दोनों प्रकार के शब्द प्रचलित हैं। तो शरीर को जीवन मान लेना, तीव्र तापवश मरीचिका का, एक बहुत बढ़िया जो चीज अभी बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि रेगिस्तान में पानी दिखता है उसको मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत बताया जाता है कि रेगिस्तान में चूंकि ज्यादा गर्मी होती है जब, तो ऐसा लगता है कि पानी उसको पढ़ाया भी जाता है, तो मृग को वो मरीचिका होती है। उसी प्रकार भूमि की अपारदर्शकता व अंधकार का, अंधकार माने किसी की छाया है, प्रकाशित वस्तु के सामने कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाए दूसरी ओर जो होता है उसको अंधकार कहा गया है। तो अंधकार वास्तव में भ्रम है, अस्तित्व में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। निर्भ्रमता योग्य क्षमता ही, निर्भ्रमता योग्य क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव समुच्चय से ही है। अनुभव समुच्चय मानवीयता सहज अधिकार पूर्वक अति मानवीयता सहज अधिकार संपन्नता से है। मानवीयता तथा अति मानवीयता अधिकार का स्रोत मानव इकाई द्वारा अपने शक्ति का अंतर्नियोजन प्रक्रिया है।
अपनी शक्ति का अंतर नियोजन को स्वनिरीक्षण प्रक्रिया क्लेश ही लाश्यता है, यह अजागृति का प्रतीक है, उससे मुक्ति ही स्वतंत्रता सहज लक्षण है। दास्यता से मुक्ति हेतु ही आप्त पुरुषों के विधिवत उपदेश हैं, जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत। दास्यता किसी की भी ऐच्छिक प्राप्ति अथवा इष्ट नहीं है। उपदेश का तात्पर्य उपाय पूर्वक भ्रम मुक्त होने का सूत्र व व्याख्या है। तो जो आप्त पुरुष हैं अर्थात जिनको अनुभव हो गया है, उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, वो दास्यता से या दास भाव से मुक्त होने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पर कहा गया। स्वकर्म परिपाक संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही परतंत्रता और स्वतंत्रता के कारण हैं। इन तीनों कारणों की व्याख्या निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है। स्वकर्म परिपाक संस्कार को ही कह रहे हैं, तो संस्कार पूर्व संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही कारण होते हैं आदमी के मनुष्य के जागृति के लिए। तो स्वकर्म परिपाक जो कर्मों का जो परिपाक होता है, जो पकने को परिपाक कह रहे हैं, उसी को संस्कार कह रहे हैं। भोगों में सुख भासता है जिसकी निरंतरता नहीं है, यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर इंद्रियों के साथ जो भोग हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। ज्ञानावस्था सहज प्रत्येक इकाई आनंदानुभूति तथा उसकी निरंतरता सहज इच्छुक है। बहुसंख्यक मानव विषय और भोग में ही इसे पाना चाहते हैं, परिणाम है क्लेश। विषय भोग में चार विषय आहार निद्रा भय और मृत्यु, इसमें जो है आनंद की अनुभूति और उसकी निरंतरता चाह रहे हैं, उसमें इसी कारण क्लेश है। यहाँ पर यह निर्देशित किया जा रहा है। ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में क्रियाकलाप से आस्वादन एवं अनुभूति ही परिलक्षित होता है। तो ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में दो प्रकार के क्रियाकलाप हैं, एक तो आस्वादन के लिए या अनुभूति के लिए। शरीर मूलक आस्वादन में सुख सुख मात्र भासता है, उसकी निरंतरता नहीं है। अनुभव मूलक विधि से सुख शांति संतोष आनंद सहज निरंतरता है। अनुभूति केवल ब्रह्म में है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म में जीवन एवं जगत शाश्वत है। नियम न्याय धर्म एवं सत्य सहज ही अनुभव है, संपूर्ण व्यवहार एवं क्रिया का नियंत्रण सत्य नहीं। जड़ प्रकृति की सत्यता सहज ज्ञान चैतन्य सहज बोध एवं व्यापकता में अनुभव स्वयं सिद्ध है। जड़ इकाई को भी अपन ये देख रहे हैं कि वो भी नित्य वर्तमान है, अस्तित्व में इकाई और व्यापक दोनों निरंतर है, तो ये सब सत्य है, अस्तित्व ही सत्य है। इसीलिए प्रकृति भी सत्य हुआ और व्यापक भी सत्य हुआ। जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से ज्ञानावस्था सहज जागृत इकाइयां नियंत्रण पूर्वक उसका उपयोग सदुपयोग एवं पोषण करती है। तो यहाँ पर एक कारण है कि जड़ प्रकृति का अध्ययन हम क्यों करें, तो जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति को भी समझें। एक वस्तु जिस जगह पर रखी हुई है उसको वस्तु स्थिति कह रहे हैं। जैसे धरती के ऊपर कोई वस्तु है तो वो उसकी वस्तु स्थिति है, भूमि के नीचे में कोई है तो वो उसकी वस्तु स्थिति है, एक चीज। दूसरा रासायनिक प्रक्रिया, तीसरा उसकी भौतिक संरचना। ये तीन प्रकार की अलग अलग चीजें हैं, इनको जो समझना है उसका जो उद्देश्य है उसका सदुपयोग करना, उपयोग करना या पोषण करना। तो जड़ प्रकृति का जो अध्ययन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका सीधा सीधा उद्देश्य है उसका पोषण और संवर्धन। बोधपूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयतापूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाता है, फलस्वरूप मानव देव एवं दिव्य मानवीयता के लिए के प्रति जिज्ञासा एवं लक्ष्य स्फूरित होता है, उसकी पूर्ति हेतु प्रयास। चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु में मन वृत्ति चित्त बुद्धि एवं आत्मा अविभाज्य वर्तमान है, जिसके अध्ययन के बिना सत्यता जानना संभव नहीं।
मन में 32 प्रकार के आस्वादन, वृत्ति में 18 प्रकार के तुलन, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण, बुद्धि में 2 प्रकार के बोध एवं आत्मा में मात्र अनुभव क्रिया का विश्लेषण मानव विवाद दर्शन में किया गया। ब्रह्मानुभूति ही आनंद सहज निरंतरता है। जागृत मानव में भौतिक समृद्धि, परस्पर मानवीयतापूर्ण व्यवहार, पूर्वक समाधान एवं उसकी निरंतरता है, जिसकी उत्कट अभिलाषा भी प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही प्राप्त है। प्रकृति की स्थिति संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त करना है। तो आस्वादन का भी अवसर ज्ञानावस्था को कहा जा रहा है, अनुभूति का अवसर भी ज्ञानावस्था को कहा जा रहा है। ज्ञानावस्था ही वांछित परिमार्जन से देव व दिव्य पद को पाती है, न कि जीवात्मा। अर्थात जीवावस्था में जागृत होने की संभावना नहीं है उस बात की, क्योंकि उसमें प्रमाण संभव नहीं है। जीवावस्था का शरीर जागृति को प्रमाणित नहीं कर सकता, वहां समृद्धि पूर्ण मेधस नहीं है। दिव्यात्मा पद ही मोक्ष पद है, यही जागृति सहज चरमोत्कर्ष है। दया कृपा करुणा ही दिव्यात्मा का स्वभाव, ब्रह्मानुभूत प्रवृत्ति तथा दृष्टि केवल सत्य है। दृष्टि विषय और स्वभाव के बारे में हम लोग देखते हैं, तो दृष्टि केवल सत्य होती है, उसका जो स्वभाव है दिव्य मानव का वो दया कृपा करुणा है, और प्रवृत्ति जो है ब्रह्मानुभूत। शारीरिक व्यामोह की सीमा तक ज्ञानात्मा भी जीवावत्मा के सदृश दुख शोकादि कार्पण्य दोष से पीड़ित भ्रमित है। कार्पण्य दोष लिखा है क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति, क्लेश से बनी हुई जो प्रवृत्ति है उसको कार्पण्य दोष कहते हैं, और ये केवल न्याय धर्म सत्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव ही है। आत्मा स्वभाव से अनुभव रत, बुद्धि विशेषज्ञ, चित्त चित्रण वेत्ता, वृत्ति विचार वेत्ता एवं मन स्वभाव से रसज्ञ है, यह सब जागृति पूर्वक की अनुभूति से संपन्न होते हैं। मानव के स्थूल रूप को इच्छा अनुसार संचालित करने वाला चैतन्य पुंज ही ज्ञानात्मा है एवं जीव शरीर को संचालित करने वाला पुंज ही जीवात्मा। तो जीवन जीवावस्था के शरीर को संचालित करने वाला जो पुंज है, जो परमाणु है, जीवन है, उसका नाम जीवात्मा है, और मानव के शरीर को संचालित करने वाला जो जीवन है उसको ज्ञानात्मा कहते हैं। अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का अभाव नहीं है, साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परिमार्जन प्रक्रिया से मुक्त नहीं। तो जड़ प्रकृति में निरंतर परिणाम हो रहे हैं, जड़ प्रकृति में परिणाम को रोक दिया जाए यह संभव नहीं है, वो रुकता ही नहीं। वैसे ही चैतन्य प्रकृति में परिमार्जन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अनुभूति पर्यंत, अनुभूति होने तक। पहला ही इसमें लिखा हुआ है अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का भाव नहीं। भौतिक वस्तु में गुण, रचना में परिणाम व परिवर्तन तथा चैतन्य में आशा विचार इच्छा में परिमार्जन सिद्ध। तो भौतिक वस्तु में गुणों में जो परिवर्तन है, रचना में परिणाम एवं परिवर्तन होता है, और चैतन्य में आशा विचार इच्छा में परिमार्जन होता है। जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य पक्ष में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन पाया जाता है। तो जड़ और चैतन्य में जो एक अंतर ये भी है कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ जहाँ गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है उसको जड़ कहते हैं, और चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन के बिना ही गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है और उसको परिमार्जन शब्द से इंगित किया गया है। तो जड़ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने के लिए मात्रात्मक परिवर्तन अनिवार्य है, और चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन होता ही नहीं, इसीलिए मात्रात्मक परिवर्तन के बिना ही गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसी को परिमार्जन।
वस्तु पदार्थ गुण सापेक्ष शक्ति संरचना आकार प्रकार के परिणाम परिवर्तन का कारण विकास क्रम ही है। विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति निश्चय वर्तमान। तो बहुत प्रकार के जो अपने को पदार्थ दिख रहे हैं, पदार्थ समूह दिख रहे हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो विकास का क्रम ही है। विकास के क्रम में बहुत सारे पद हैं, ये पद ही अपने को विविधता के रूप में, पदार्थ के विविधता के रूप में दिख रहे हैं। तो इसमें चार चीजें दिखती है, विकास क्रम दिखता है, विकास दिखता है, विकास का अर्थ है जीवन, जीवन होने के बाद उसमें एक जागृति का क्रम दिखता है और जागृति दिखती है। तो ये चार चीजें नित्य वर्तमान, ये अस्तित्व में हमेशा या निरंतर है। वस्तु के गुण एवं संरचना में परिणाम व परिवर्तन का कारण ही है कि उनके अस्थायित्व और अपूर्णता, क्योंकि परिवर्तन हो जा रहा है, परिवर्तन है हो रहा है, इसलिए उसमें स्थायित्व को नहीं मान सकते। पदार्थ तत्वतः परमाणु के स्वभाव गति के रूप में प्राप्त है। परमाणु की अनेक जातियां प्राप्त है, जिसे भौतिक शास्त्र ने भी सिद्ध कर दिया है। चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती, जिसके कारण उनमें गठन सीमा में विविधता नहीं है। तो परमाणु की गठन में विविधता है जड़ परमाणुओं के, इसीलिए जड़ परमाणु की जाति। जाति का अर्थ जो परिभाषा एक जगह आप देखेंगे कि रूप गुण स्वभाव और धर्म की विशेषता। तो जैसे परमाणु है, उसका स्वभाव और धर्म तो एक ही होगा, क्योंकि वो पदार्थावस्था में ही है, पदार्थावस्था का स्वभाव और धर्म एक है, लेकिन रूप और गुण यहाँ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे सोने का परमाणु अलग दिखेगा और हाइड्रोजन का परमाणु अलग दिखेगा, तो इसमें रूप और गुण भिन्न हो गए, स्वभाव और धर्म भले ही एक है। तो इसके कारण रूप और गुण और स्वभाव और धर्म ही चारों में जो भिन्नता है, इसी को जाति कहते हैं। लेकिन जीवन में चैतन्य परमाणु में किसी प्रकार का परिवर्तन उस ढंग के नहीं है, इसीलिए उसमें गठन की सीमा में विविधता नहीं है, इसलिए इसको गठनात्मक जाति नहीं है। गठन के आधार पर कोई जाति नहीं हो सकती, एक ही है जीवन, इसीलिए जीवन सब में समान है जो शब्द है, इसी आधार पर कहा जाता है। केवल जागृति का भेद हो सकता है। ज्ञानावस्था की इकाइयां निर्भ्रांत, भ्रांताभ्रांत तथा भ्रांत भेद से गण्य है। भ्रांत इकाइयां चार विषयों के भोग के लिए, भ्रांताभ्रांत इकाइयां तीन इच्छाओं के योग के लिए प्रयासरत तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त। तो तीन प्रकार की जो वर्गीकरण है, जो भ्रांत है वो भोगों की सीमा में व्यस्त है, भोग के लिए कार्य कर रहे हैं, भ्रांता भ्रांत है, ये तीनों एषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, अर्थात व्यवस्था को, मानव परंपरा को बनाए रखने में जो अंग है उनमें पूरी तरह व्यस्त है, इसीलिए इसको कह रहे हैं तीनों एषणा, भ्रांता भ्रांत और निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त। चैतन्य परमाणु में गठन परिवर्तन नहीं है, जड़ परमाणु में ही गठन गुण व रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। पहले हम लोगों ने देखा कि चैतन्य इकाई में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती, उसी संदर्भ में पाया जाता है। प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होने के लिए परमाणु में जितने अंशों के समाने की व्यवस्था संभावना है, उतने अंशों के गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अल्प अर्ध व पूर्ण अभिव्यक्ति सहित क्रियाशीलता पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि में परिमार्जन करते चैतन्य जो वस्तु है, जड़ ही चैतन्य होता है और उसके लिए जो एक प्राथमिक स्थिति है कि उसमें जितने अंश व्यवस्था समाने की व्यवस्था है वो सारे अंश हो जाएं और उनका जो एक क्रम है वो क्रम आ जाए, उसके उपरांत वो चैतन्य होता है और इसके बाद उन अंशों का जो सामूहिक रूप से जो प्रदर्शन या अभिव्यक्ति होती है उसी को जागृतिशीलता या जागृति पूर्णता कहते हैं। मन वृत्ति और चित्त बुद्धि में फिर परिमार्जन होता है और इस परिमार्जन के फलस्वरूप इसमें जागृति होती है।
चैतन्य अवस्था की इकाई में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन, 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार के बोध और आत्मा में मात्र अनुभूति सिद्ध है। अंतर्यामी संज्ञा से पारगामीता और व्यापकता सहित महिमा इंगित किया गया है। अंतर्यामी, अंतर्यामी का अर्थ है हर चीज के अंदर गया हुआ, हर चीज के अंदर गया हुआ। तो चूंकि व्यापक वस्तु हर चीज के अंदर गया हुआ क्या हमेशा रहता ही है, व्यापक में गति नहीं होती। यामी जो शब्द है वो गति के लिए प्रचलित है। तो अंदर में हर परमाणु के हर अंश के अंदर जो स्थित है वो व्यापक वस्तु है। पारगामी होने के कारण ही व्यापक वस्तु हर अंश के भीतर भी होता है, इसीलिए उसको अंतर्यामी शब्द दिया गया है, जो परंपरा में बहुत प्रचलित एक शब्द है। अंतर्यामी का मतलब अंदर गया हुआ, और व्यापक वस्तु के बारे में जो कहा रहा है कि अंदर हमेशा रहता ही है, तो व्यापक के लिए एक संज्ञा अंतर्यामी है। अंतर्यामी में अनुभूति से अभिमान समाप्त होता है, अभिमान भ्रम का ही अंश। तो व्यापकता में अनुभूति जब होती है, व्यापकता में अनुभूति आत्मा ही करती है, आत्मा का प्रत्यावर्तन को ही व्यापकता में अनुभूति कह रहे हैं या अंतर्यामी में अनुभूति कह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अभिमान समाप्त हो जाता है, अभिमान चित्त में होता है। अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में मानवीयता पूर्वक स्वीकारता है, यही सर्वशुभ का सूत्र। अंतर्यामी का बोध का अर्थ होता है कि व्यापक वस्तु का बोध, व्यापक वस्तु का बोध। आत्मा जब व्यापक में अनुभव करती है तब बुद्धि को, बुद्धि का जो प्रत्यावर्तन होता है तो बुद्धि को आत्मा का बोध होता है और अनुभव किए हुए आत्मा का बोध होता है। इसी को कह रहे हैं कि अंतर्यामी का बोध। आत्मीयता की परस्पर अपराधों तथा अपव्ययों का निरोधक और नियामक, साथ ही न्याय धर्म सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणादायी। एक बहुत बढ़िया विधि बताई हुई है कि अपराधों को कैसे हम नियमित कर लें, समाप्त कर लें, उन्मूलन कर लें, अपव्यय किस विधि से रुक जाए, तो उसके लिए जो विधि है वो आत्मीयता। और यही आत्मीयता न्याय करने के लिए, धर्म में जीने के लिए, सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणा है। आत्मीयता परस्परता में अपराध एवं अपव्यय का अभाव ही सहस्तित्व सहज सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सहस्तित्व में प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व का अनुभव ज्ञान होना संभव नहीं। सत्ता में संपृक्तता का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मबोध के अभाव में बुद्धि का पहले प्रत्यावर्तन होता है। बुद्धि के प्रत्यावर्तन का नाम है बोध क्रिया, और बुद्धि के प्रत्यावर्तन में बुद्धि आत्मा का बोध करती है, उसी का नाम आत्मबोध है। अर्थात बुद्धि के प्रत्यावर्तन क्रिया को ही आत्मबोध कहते हैं, और आत्मबोध होने पर ही आत्मा, बुद्धि में आत्मबोध होने पर आत्मा का प्रत्यावर्तन होता है और आत्मा को व्यापकता या अंतर्यामी का अनुभव होता है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है, वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसीलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन भी व्यवसाय व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा में व्यवहार और उत्पादन कृत्रिम वातावरण द्वारा ही निर्मित पाया जाता है, जो दासता है। यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास करता है, जिसमें जो होता है उसी का बंटन करता है। दासत्व 3 रूपों में परिलक्षित होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, आत्मा को क्रिया के रूप में मध्यस्थ दर्शन ने कहा है, और क्रिया में भी सम और विषम क्रिया है, किंतु आत्मा क्रिया है किंतु सम और विषम क्रिया से मुक्त। और सम और विषम से मुक्त है का अर्थात है कि वो बुद्धि से या इसी चित्त से या मन से या आवेश से प्रभावित नहीं हो पाता, बल्कि आत्मा से बुद्धि प्रभावित होती है, फिर ऐसे बुद्धि से चित्त प्रभावित होता है, ऐसे चित्त से वृत्ति प्रभावित होती है,
और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो व्यवस्था व्यवहार व्यवस्था व्यवसाय इनका नियंत्रण होता है। और यदि ऐसा ना हो तो फिर ये कृत्रिम विधि से नियंत्रित करने का प्रयास होता है, जिसमें दासता या दुख या जो एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है वो खत्म। दासत्व तीन रूपों में परिलक्षित होता है, व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और तीसरा विचार दासत्व। दासत्व क्रम से न्याय समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता से संपन्नता से समाप्त होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान, समाधान ही न्याय, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। अनुभूति योग्य अवसर मानव को प्राप्त है, इसीलिए नित्य प्रयासोदय है। आत्मा चैतन्य इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है, अतः वह मध्यस्थ क्रिया है। अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील है, इसीलिए संभव विषम क्रिया। इकाई सहज नियंत्रण मध्यस्थता में ही है, जड़ क्रिया का नियंत्रण नियम में, सामाजिकता का नियंत्रण न्याय में, आशा विचार एवं इच्छा का नियंत्रण समाधान पूर्वक, अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में ही है। अनंत क्रिया समूह ही प्रकृति एवं विराट है, प्रत्येक क्रिया विराट का एक अंश है और प्रत्येक परमाणु भी एक सूक्ष्म विराट है। प्रकृति के लिए जो एक शब्द है वो विराट है। लक्षण पूर्वक लक्षण लक्ष्य पूर्वक ही नियम न्याय समाधान वो अनुभव पूर्वक दर्शन। तो लक्षण लक्ष्य पूर्वक और नियम न्याय समाधान वो अनुभव पूर्वक दर्शन। नियम में अपरिणाम अपरिवर्तन अपरिपाक, तो नियम में परिणाम नहीं होता है, मतलब परिणाम उसमें परिवर्तन नहीं होता, नियम अनिरंतर होते हैं, उसी के लिए अपरिपाक अपरिवर्तन और अपरिणाम ये तीन शब्द लिखे हुए हैं। अपरिवर्तन नियम हमेशा एक जैसा रहता है। न्याय में असंदिग्धता व अभयता, जहाँ पर संदिग्ध न हो, शंका न हो और अभय हो, इस प्रकार की चीज को न्याय। धर्म में निर्विषमता, विषम सब विषमता से मुक्त हो जाना, इसको धर्म कहते हैं, एवं सह अस्तित्व समाधान में स्वर्गीयता व समृद्धि है। अनुभव में आनंद और प्रामाणिकता सहज निरंतरता है, इसीलिए ही मानव कृषित है। नियम न्याय धर्म सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। इन सब में सह अस्तित्व ही इंगित है। जागृत मानव में स्वतंत्रता ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही सहज समाधि ही आनंद और आनंद ही जीवन जागृति, जागृति ही स्वतंत्रता। नियम न्याय धर्म सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करता है। तो ब्रह्मानुभूति जो है वो मानव को होता है या जीवन को होता है। तो ब्रह्मानुभूति होने पर ही ये शब्द है नियम न्याय धर्म सत्य, और ये मानव के लिए है। तो न्याय मानव करता है, नियम का पालन मानव करता है, धर्म का पालन मानव करता है, सत्य का पालन भी मानव करता है, और इनको सिखाता समझाता और इसके लिए व्यवस्था भी मानव ही बनाता है। तो और ये सब ब्रह्मानुभूति के बाद ही संभव होता है। तो ब्रह्मानुभूति या नियम न्याय धर्म धर्म और सत्य, ये ब्रह्मानुभूति अर्थात किसी मनुष्य को ब्रह्म की अनुभूति होती है उसके लिए या फिर उसके बाद के कार्यक्रम के लिए ये चारों शब्द है ब्रह्मानुभूति के लिए। स्वतंत्रता सहज कामना प्रत्येक मानव में विद्यमान है। जड़ प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन, समाज में न्याय पूर्वक व्यवहार,
स्वयं में समाधान पूर्ण विचार एवं सत्ता में अनुभव पूर्ण क्षमता से संपन्न होना ही मानव इकाई सहज परम जागृति है। यही स्वतंत्रता का आद्यंत लक्षण व स्वानुशासन का स्वरूप है। स्वतंत्र मानव इकाई जागृति सहज प्रमाण है तथा अन्य उसका अनुसरण करने में या पूर्ण जागृति के निकट है। जागृति पूर्ण मानव इकाई अन्य के अभ्युदय के लिए सहायक। स्वतंत्र मानव इकाइयों के संख्या वृद्धि हेतु मानवीयता सहज व्यवहार उत्पादन तथा व्यवस्था का अध्ययन व आचरण की एक सूत्रता आवश्यक। स्वतंत्र मानव की संख्या वृद्धि अर्थात जागरूक लोगों की संख्या वृद्धि होने के लिए मानवीयता सहज व्यवहार मानवीयता सहज उत्पादन और मानवीयता सहज व्यवस्था का होना उसका अध्ययन और उसके आचरण की एक सूत्रता आवश्यक। मानव इकाई विकास पूर्वक ही अनुभव वेत्ता सिद्ध हुई। जड़ अवस्था से विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। ये चैतन्य इकाइया ही जीवावस्था तथा ज्ञानावस्था के प्रभेद से ये क्रम है। जड़ अवस्था से चैतन्य अवस्था आई। जड़ और चैतन्य के संयुक्त रूप में जीवावस्था है और ज्ञानावस्था भी है। जीवावस्था की जो अगली स्थिति है उससे विकसित स्थिति ज्ञानावस्था है और ज्ञानावस्था में ही फिर अग्रिम स्थिति में जागृति होती है। मानवाकार शरीर को ज्ञानात्मा अपनी आशा विचार इच्छा मृत्यु अनुसार संचालित करता है। जीवात्मा मानवेतर पशु पक्षी आदि जीव शरीरों को आशानुरूप संचालित करता है। ज्ञानात्मा ही जागृति पूर्वक मानव आत्मा देवात्मा तथा दिव्यात्मा में गण्य है। क्रम से इन्हीं को मानव देवमानव और दिव्यमानव समझे। तो जीवात्मा कह रहे हैं जो मनुष्यतर पशु पक्षी के शरीरों को चला रहा है और मानव के आकार के शरीर को चलाने वाले को ज्ञानात्मा कहते हैं। दिव्य मानव देव मानव और मानवीतापूर्ण मानव ब्रह्मानुभूति संपन्न है और अमानव में भी ब्रह्म भासता है। इसीलिए जिनको चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है जिनकी निरंतरता नहीं हो पाती यही अमानव में जागृति सहज अपेक्षा। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि जो अमानव है उनको भी ब्रह्म भासता है तो भास से रहित कोई भी नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है तो ये सुख एक कोई चीज है जिसकी पहचान हो पा रही है अमानव को भी। दूसरा ये भी पहचान हो पा रही है कि इसकी निरंतरता नहीं। ये दोनों ही कारण होते हैं ये जागृति की ओर मनुष्य को लेके जाते हैं कि एक तो सुख जैसी कोई चीज मिली और दूसरा मिली भी फिर छूट गई उसकी निरंतरता नहीं है फिर उसकी निरंतरता के लिए प्रयास होता है। ये जो प्रक्रिया है इसी को कह रहे हैं कि ये अमानव की जागृति सहज अपेक्षा। आनंद सहज निरंतरता की आशा आकांक्षा और जिज्ञासा मनों में पाई जाती है। जागृति पूर्वक ब्रह्मानुभूति के लिए मानव प्रयास है। क्रिया तथा ब्रह्म में लक्षण भेद है। क्रिया अनंत संख्या में अनेक अवस्थाओं सहित स्थूल सूक्ष्म और कारण भेदों से प्रत्यक्ष है। ब्रह्म अखंड पूर्ण व्यापक है। तो क्रिया और ब्रह्म दो अलग अलग भाग हैं। प्रकृति का ही एक नाम क्रिया है क्रिया या क्रिया समझ और क्रिया में ही स्थूल क्रिया है सूक्ष्म क्रिया है कारण। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दो अलग अलग एक खंड है। एक खंड में व्यापक वस्तु है। खंड का मतलब है समझने के अर्थ में। जड़ क्रिया का परिणाम परिवर्तन परिपाक प्रत्यक्ष है। चैतन्य क्रिया में आशा विचार इच्छा और संकल्प की सक्रियता और उसका परिमार्जन विकल्प भी प्रसिद्ध। सत्यानुभव योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनी हुई है जो पूर्णता एवं स्वतंत्रता हेतु मार्ग है। तो चैतन्य इकाई में आशा विचार इच्छा और संकल्प सक्रिय होते हैं विशेषकर मानव में और उसमें परिवर्तन की संभावना भी होती है।
और इसमें यह भी कह रहे हैं कि सत्यानुभव योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनेगी। पूरा एक क्रम अस्तित्व सहज है ही कि हम जो भी कार्यक्रम करेंगे उसका एक परिपाक होगा जो संस्कार में जाएगा, जीवन में परिमार्जन होता रहेगा और फिर जागृति के लिए जो उसका प्रयास होता है बढ़ता ही जाएगा। सत्यानुभव आत्मा में अनुभव, आत्मा में अनुभव को सत्यानुभव कह रहे हैं। सत्य का बोध बुद्धि में, अनुभव बोध सहित प्रतीति चित्त में, अनुभव सहज चिंतन का आभास वृत्ति में एवं भास मन में। तो अनुभव का जो सत्य का अनुभव आत्मा में हो जाता है, सत्य का बोध बुद्धि में हो जाता है, सत्य का प्रतीति चित्त में होता है और सत्य का जो आभास है वृत्ति में और सत्य का भास जो है मन में। ब्रह्म में जो अमानव को भी ब्रह्म भासता है उसी अर्थ में। अध्ययन क्रम में अनुभव क्षमता की आंशिकता में बोध, बोध की आंशिकता में प्रतीति, प्रतीतता की आंशिकता में आभास एवं आभास की आंशिकता में क्षमता भास क्षमता प्रसिद्ध है जो साक्ष में प्रत्यक्ष होने वाली संज्ञा की क्रिया है, यही ज्ञानावस्था सहज मन। पांच संवेदन क्रियाओं द्वारा आस्वादन एवं स्वागत क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। स्वागत भाव पक्ष को बोध, स्वागत भाव पक्ष का बोध पूर्वक अनुभव भी होता है। स्वागत एवं आस्वादन क्रिया मानव में प्रसिद्ध है। स्वागत भाव में अनुभव के लिए, आस्वादन भाव में भोगों के लिए अनुमान है। दो प्रकार की क्रियाओं को मुख्य रूप से करते कह रहे हैं कि जागृति के लिए जो भी क्रियाएं हो रही है उसको एक भाव में देख रहे हैं और भोगों के लिए जो एक प्रकार का जो क्रिया और क्रियाकलाप मनुष्य में हो रहा है, विचार हो रहा है, उसको दूसरा भाव कह रहे हैं। तो अनुभव के लिए जो कार्यक्रम है उसको स्वागत क्रिया के रूप में नामकरण हुआ। भोग पूर्वक आस्वादन केवल जड़ पक्ष में से के लिए है, अनुभवाकांक्षी स्वागत भाव सत्य नहीं है। लोक सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य के रूप में तथा व्यापक स्थिति पूर्ण सिद्ध है, यह प्रमाण सिद्ध है। दर्शन क्षमता की अपूर्णता की स्थिति में अनुमान, अध्ययन और अनुभव के लिए प्रयास का उदय होता है। लक्षण और लक्ष्य के योगफल में अनुमान का उदय होता है। विज्ञान एवं विवेक ज्ञान ही प्रमाण है जो अनुभव समाधान व्यवहार व प्रयोग। वस्तु स्थिति सामयिक सत्य है। काल क्रिया परिणाम से मुक्त नित्य सत्य ब्रह्म ही है। संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है। इसके विपरीत भोगों की प्रवृत्ति है, भोगों में प्रवृत्ति है जो अजागृति व ह्रास का लक्षण। यहाँ पर स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है और भोगों में प्रवृत्ति जो है वो ह्रास की ओर गति। तो एक तो एक समय ऐसा लगता है कि हो गया है, तो इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, अस्तित्व एवं आनंद ही उसका आद्यंत लक्षण। ज्ञानावस्था में मानवीतापूर्ण मानव ही उत्पादनशील व्यवहारशील विचारशील एवं अनुभवशील इकाई। मानव में कार्य व्यवहार काल, विचार काल एवं अनुभव काल प्रसिद्ध है। उत्पादन व्यवहार एवं विचार की उपादेयता अनुभव की आशा एवं आकांक्षा में है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और सत्ता नहीं है। मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य। तो मुख्य चीज इसमें हम देख रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण जो मानव
उसमें उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभव, इन चारों चीजों की एक सूत्रता को यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, और इन चारों से ही, इन चारों में अभ्यास से, इन चारों में इच्छा से ही अनुभव होगा, और अनुभव के बाद भी ये चारों क्रियाकलाप निरंतर होते रहेंगे। इनसे मुक्ति कोई कार्यक्रम नहीं, इन क्रियाकलाप से। दूसरा, मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, अर्थात पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अर्थात मानव मानव के साथ व्यवहार, और अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य, अर्थात विकसित जो मानव है, जागृत मानव को सानिध्य के लिए, और इससे और जो भिन्न कोई चीज है जिसको व्यापक वस्तु कह रहे हैं उसमें अनुभव करता है, तो ये संपूर्ण मानव का कार्यक्रम होता है। अपने से अविकसित के साथ भी कार्यक्रम है, अपने बराबर के साथ भी कार्यक्रम है, अपने से श्रेष्ठ मानव के लिए साथ भी कार्यक्रम है, और व्यापक के साथ भी अनुभव एक यथास्थिति है जिसकी निरंतरता होती है। तो ये हम लोगों ने देखा। कुछ प्रश्न आए हैं तो उसके लिए एक और बात इसको एक बार पढ़ लेंगे, तो फिर से एक समय तय करके आप लोग का फिर से सानिध्य के लिए प्रयास करें। तो अभी का जो कार्यक्रम है इसको समय सीमा पूरी हो रही, अब कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कल अनुभव दर्शन एक और दो अध्याय को हम लोगों ने पठन किया, थोड़ी सी चर्चा भी हुई, उस पर कुछ प्रश्न आए हैं। तो प्रश्नों को शुरू करने के पहले दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, वो कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हो जाएंगे और कुछ के लिए वो एक आधार बन जाए। जो दर्शन का जो आरंभिक बिंदु है, जो बाबा जी को उनके गुरुजी जगतगुरु श्रृंगेरी चंद्रशेखर भारती महाराज ने निर्देश दिया था कि अमरकंटक में जाके भजन करो, और उन्होंने उसी विधि से, श्री विद्या विधि से उपासना प्रारंभ किया, और उससे उनको उपासना का जो अंतिम लक्ष्य है, जो इस विधि में बोला जाता है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, तीनों का जागरण हो जाना, उसी को पूज्य बाबा जी ने ये बोला कि पतंजलि महाराज ने उनको समाधि शब्द से इंगित किया है। उसी को वेद उपनिषद जैसी जगहों पर निधिध्यासन शब्द भी प्रयोग हुआ है, तो बाबा जी ने इन तीनों को समानार्थी कहा। तो समाधि में पहुंचने के बाद जो स्थिति हुई उसमें व्यापक वस्तु है उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह स्पष्टता हो गई कि इसका अस्तित्व है जो पहले नहीं था, माने साधना के पहले के क्रम में, साधना में आगे बढ़ते समय ध्यान की अवस्था में भी नहीं था, लेकिन जब समाधि की स्थिति आई उसमें व्यापक वस्तु है ये स्पष्ट हो गया। और ये भी कहा कि उसके बाद पूरी जो प्रवृत्तियां हैं बदल जाती है, उस समय मैं हूं वाला बोध रहता है, और पानी में डूबकर आंख खोलने से जैसा दिखता है वैसा एक वस्तु दिखता है, मैं और वो वस्तु दोनों एक हैं ये स्पष्ट नहीं रहता है, मैं और वो वस्तु दोनों अलग हैं वो भी स्पष्ट नहीं रहता है, और उस समय भूत और भविष्य का जो पीड़ा है ये नहीं रहता है। और शरीर अध्यास आने के बाद भी वो जो उस समय की जो स्थिति बनती है उसका जो तृप्ति है वो बनाई रहता है, बाकी फिर इंद्रिय व्यापार में मन बहुत कम जाता है। इस स्थिति में उन्होंने कहा कि मुझे उस समय जब शरीर अध्यास आया तो ये समझ में आया कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला,
फिर उन्होंने अगले दिन प्रतीक्षा किया। ऐसा कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि या फिर मुझे समाधि नहीं हुई है या फिर समाधि में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। तो इसको जांचने के लिए फिर उन्होंने संयम किया। संयम की जो वस्तु है उन्होंने व्यापक वस्तु को ही बना लिया। व्यापक वस्तु जो समाधि में स्पष्ट हुआ था उसी को मान लिया, उसी पर संयम किया। तो अब हम यहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये पृष्ठभूमि थी। और दूसरी जो बात है, ये जो शब्द हैं ये परंपरा के शब्द हैं, ईश्वर, व्यापक, ब्रह्म और आत्मा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो परंपरा में प्रचलित हैं। तो दो प्रकार से चीजें होती है, एक तो अस्तित्व को समझना होता है कि, और दूसरा शब्द है जो परंपरा से हमको मिलते हैं। तो अस्तित्व में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को समझता है तो उसके लिए कोई एक शब्द या शब्द समूह को दे देते हैं ताकि परंपरा में लोग उससे आगे बढ़ सके। तो शब्द और शब्द के जो समूह है, परिभाषा या फिर व्याख्या, इनके द्वारा वहां तक पहुंचने के लिए इशारा किया जाता है। और वहां तक पहुंचने का अर्थ है कि अस्तित्व में वस्तु है, वहां तक पहुंचना, वस्तु को पाना। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो जब बाबा जी ने दर्शन लिखा तो उनको यह स्पष्ट हुआ कि परंपरा के जो शब्द हैं वो ही उन्होंने चुने हैं और उनको फिर नए सिरे से परिभाषित किया। बाबा जी ने यह कहा कि समाधि में अनुभव नहीं हुआ। अनुभव नहीं हुआ का मतलब संयम के अंत में उनको जो हुआ, सत्ता में जो संपृक्त प्रकृति है वो समाधि में बाबा जी को अनुभव नहीं हुआ। समाधि के बाद संयम की क्रिया में सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव। तो एक शब्द आता है ब्रह्मानुभूति। तो जो परंपरा में प्रचलित है समाधि के लिए ब्रह्मानुभूति शब्द, समाधि में ब्रह्मानुभूति होती है। अब बाबा जी ने सत्ता में संपृक्त प्रकृति के लिए फिर उन्होंने उस स्थिति के लिए भी इसी शब्द को प्रयोग किया, लेकिन इस शब्द की परिभाषा को फिर थोड़ा सा बदल दिया। समाधि की जो स्थिति में यही शब्द पहले प्रयोग हुआ है और बाबा जी ने सत्ता में संपृक्त प्रकृति का जो अनुभव होता है उसके लिए उन्होंने किया। तो समाधि में प्रकृति का कोई ज्ञान या बोध नहीं रहता है समाधि की स्थिति में, लेकिन संयम की स्थिति में जब पूर्णता को जो उन्होंने पहचाना उस समय व्यापक वस्तु भी समझ में आ रही है, अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ साथ प्रकृति भी अनुभव में आ रहा है। इसीलिए नाम है सत्ता में संपृक्त प्रकृति। प्रकृति भी अनुभव में आ रहा है और सत्ता भी, व्यापक वस्तु भी अनुभव में आ रहा है, ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। तो उसके लिए ब्रह्मानुभूति जो शब्द है वो व्यापक वस्तु को जब केवल बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों हैं। बाबा जी जब ब्रह्मानुभूति कह रहे हैं उस समय दोनों चीजें हैं कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति को ही अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति भी अनुभव में आ रही है और व्यापक वस्तु भी अनुभव में आ रही है। तो इसके लिए तीन प्रकार के शब्द यहाँ इस दर्शन में उपयोग हुए हैं। ब्रह्मानुभूति भी है, अस्तित्व में अनुभूति भी है और सह अस्तित्व में अनुभूति। सहअस्तित्व में अनुभूति का मतलब ही है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति। तो ये तीनों जो शब्द हैं, ब्रह्म अनुभूति, सत्ता में समय, अस्तित्व में अनुभूति या सहअस्तित्व में अनुभूति, ये तीनों शब्द, सहअस्तित्व में अनुभूति या सहअस्तित्व में अनुभूति, ये तीनों शब्द एक ही वस्तु को, एक ही स्थिति को इंगित कर रहे हैं। तो ये एक चीज हो गया। अब मैं इस प्रश्न को क्रम से लेंगे। तो फाल्गुनी बहन ने एक प्रश्न पूछा है, प्रेम मयता और ब्रह्म अनुभूति में क्या अंतर है। तो प्रेम मयता को भी ब्रह्म अनुभूति के जैसा ही शब्द है, दोनों एक ही वस्तु है दर्शन के हिसाब से। प्रेम मयता और ब्रह्म अनुभूति एक एक चीज। श्यामवीर भैया ने पूछा है, जब आत्मा को मध्यस्थ क्रिया कहा जाता है तो लगता है कि आत्मा सहअस्तित्व में अनुभूत रहता ही है, स्पष्ट करें। बिल्कुल, यदि यह लगता है तो भैया वो गलत लग रहा है। मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से
भ्रमित अवस्था में आत्मा या मध्यस्थ क्रिया जीवन के भ्रमित रहने पर सत्ता में अनुभूत नहीं रहता है। जागृति होने पर आत्मा का भी प्रत्यावर्तन होता है और आत्मा अनुभूत होती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जागृत होने पर ही आत्मा जो है अनुभूत होता है, उसके पहले आत्मा को अनुभूति नहीं रहती, व्यापक में अनुभूति नहीं रहती। तीसरा प्रश्न है, रंजना तिवारी बहन ने पूछा है, अंतर्नियोजन को समझाइए। अंतर्नियोजन शब्द मन जो है वृत्ति में तदाकार हो जाए, वृत्ति जो है चित्त में तदाकार हो जाए, चित्त बुद्धि में तदाकार हो जाए, बुद्धि आत्मा में तदाकार हो जाए और आत्मा व्यापक में तदाकार हो जाए, ये अनुभव की स्थिति। यदि आत्मा तदाकार हो गया तो तभी संभव है जब नीचे के चारों तदाकार हो। तो इसमें बड़ी व छोटी वस्तु समाई रहती है, इसीलिए जब आत्मा तदाकार हो गया इसका मतलब है कि बुद्धि चित्त वृत्ति और मन भी क्रमशः अपने से श्रेष्ठ में, अपने से अधिक विकसित में तदाकार है, ये अपने आप में स्पष्ट। इस प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या है, परंपरा में प्रचलित बहुत सारी साधनाएं हैं, यहाँ पर वैसी कोई साधना विधि के बारे में पूज्य बाबा जी ने नहीं कहा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि न्याय धर्म और सत्य को ध्यान में रखकर यदि हम व्यवहार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, विचार करते हैं, तो मन वृत्ति में वृत्ति चित्त में इस ढंग से ये होगा। एक जगह मानव व्यवहार दर्शन में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, इच्छा आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन होता है। इसीलिए अन्यायहीन व्यवहार के लिए, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन आचरण के लिए सामाजिक आचरण का दबाव एवं प्रभाव, एवं आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कारों का प्रभाव दबाव आवश्यक है। ये वाक्य दिया है, यही एक प्रकार से सूत्र है। अपराध कहते हैं परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़न। तो ये बंद होने पर ही मन का प्रत्यावर्तन होगा, अन्यथा कोई भी साधना करिए नहीं, कुछ भी कोई भी करेंगे तो नहीं होगा। तो अपराधहीन व्यवहार अर्थात स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य में जीने से होगा। तो स्वधन की स्पष्ट समझ हो जाए और स्वनारी स्वपुरुष की समझ हो जाए और दयापूर्ण कार्य की समझ हो जाए, स्पष्टता हो जाए, और उसके बाद फिर वो आचरण में आए तो अपने आप मन जो है वृत्ति के अनुरूप होगा, या मन वृत्ति के अनुरूप होगा, वृत्ति में तदाकार होगा, तभी ये सारी चीजें होंगी। तो क्रम से इसी प्रकार अन्यायहीन आचरण के लिए सामाजिक आचरण का दबाव, सामाजिक आचरण करता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। तो प्रत्येक मनुष्य को हम एक संबंध में पहचान सके और उनके साथ निर्वाह कर सके, ऐसी स्थिति में वृत्ति जो है चित्त के अनुरूप हो जाता है, वृत्ति चित्त में तदाकार हो जाता है और आसक्ति के अभाव में चित्त का प्रत्यावर्तन होता है। आसक्ति का अर्थ है अधिमूल्यन और अवमूल्यन। तो अधिमूल्यन और अवमूल्यन या निर्मूल्यन, ऐसी स्थिति में हम तन मन धन का जो सदुपयोग है उसको बदल देते हैं। जो व्यक्ति जिसको अधिक मूल्यवान मानता है उसमें अपने तन का, मन का और धन का नियोजन करता रहता है। तो जैसे जैसे जो सही मूल्यांकन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तन मन धन का जो नियोजन है उस वस्तु में फिर होने लगता है। तो ये क्रमशः ये क्रम है, पहले जो है अपराधहीन व्यवहार से मुक्ति है, फिर अन्यायहीन आचरण से मुक्ति है अर्थात संबंधों में जीने की प्रवृत्ति और उसमें सफलता है, और तीसरे चरण में तन मन धन के सदुपयोग में क्रमशः उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन के अर्थ में आगे बढ़ते हैं। और ये तो इसी को अंतर्नियामन कह रहे हैं, यही साधना की विधि। चौथा प्रश्न फाल्गुनी बहन ने फिर पूछा है कि अभ्यास दर्शन में अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं स्थिति पूर्ण सत्य ही है, कृपया इसे भी समझाइए।
स्थिति पूर्ण तो है, जो दर्शन में हम देखेंगे तो एक शब्द है स्थिति पूर्ण, वो सत्ता के लिए कहा गया है ना। स्थिति पूर्ण सत्य के रूप में मुझे नहीं याद आ रहा है कोई ऐसा शब्द है, लेकिन जब भी ये तीनों शब्द साथ में आए हैं, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, तो पहला वाला वस्तुगत सत्य, फिर वस्तु स्थिति सत्य, तीसरा वाला स्थिति सत्य, स्थिति पूर्ण के, मुझे लगता है कि ये स्थिति पूर्ण के स्थान पर स्थिति सत्य आएंगे, क्योंकि स्थिति सत्य में स्थिति पूर्ण चीज रहती है। जब स्थिति सत्य की बात कह रहे हैं, इसका अर्थ है सत्ता में संपृक्त प्रकृति, तो सत्ता स्वयं स्थिति पूर्ण है और फिर प्रकृति भी स्थितिशील है, तो जब इस चीज को बोलते हैं स्थिति पूर्ण में स्थितिशील संपृक्त है उस चीज के लिए है, तो मेरे हिसाब से ये वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, ये स्थिति सत्य है। तो ये तीनों चीजें हैं जो हम इसमें देखेंगे समाधान को, भौतिक वर्ग में इस विधि से इसको समझाया गया। तो ये पूरा वाक्य है स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, ये तीनों बार बार जब भी आ रहे हैं इसे एक साथ ही आते हैं, और इस रूप में ये तीनों वही होने चाहिए। सतपाल भाई ने पूछा है कि आत्मा ब्रह्म से नेष्ट नहीं है, इसका क्या अर्थ है? तो परंपरा के जो भाव से, चूंकि शब्द परंपरा के हैं, तो बार बार हम चले जाते हैं उधर कि ब्रह्म का अंश आत्मा है, या ब्रह्म बड़ी वस्तु है, आत्मा उससे छोटी है, वो श्रेष्ठ है, तो इन सबको ध्यान में रखकर उधर ध्यानाकर्षण ना हो जाए, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आत्मा प्रकृति का अंश है, प्रकृति का सर्वोत्तम विकसित अंश है, इसके बावजूद वो ब्रह्म से नेष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति में जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो यही हो सकता है ना। तो मानव या किसी जीवन की यदि हम बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है कि वो फिर आत्मा ही हो सकता है, तो इसीलिए आत्मा उस विधि से, किसी भी विधि से ब्रह्म से नेष्ट नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में तदाकार होने की वो क्षमता संपन्न है ना। तो आत्मा ब्रह्म में तदाकार हो सकता है, और जैसा ब्रह्म पूरे अस्तित्व में फैला हुआ है, वैसा अंतर्यामी स्थिति को जानने योग्य ज्ञान के अर्थ में वो आत्मा सक्षम हो जाता है। ज्ञान पूर्वक अभ्यास को समझाइए, रंजना तिवारी बहन ने पूछा है। तो अभ्यास मूल में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य को जीना का अर्थ होता है, संबंधों में निर्वाह करने का होता है, तौर तन मन धन का सदुपयोग करने का होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया वही मुख्य अभ्यास है। अभ्यास के साथ साथ या अभ्यास के पहले स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। तो दर्शन का जो अध्ययन का एक बड़ा काम होता है, इनके बारे में स्पष्टता हो जाए, उसी प्रकार संबंधों के बारे में स्पष्टता हो जाए, मूल्यों के बारे में, मूल्यांकन के बारे में, तो जो दूसरा स्तर है, और तन मन धन के सदुपयोग के बारे में स्पष्टता होती है, तो उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन, इन अर्थों पर देखते हैं तो ये तीनों क्रम है, इसी क्रम से अभ्यास होता है। फिर से रंजना बहन का प्रश्न है, जीने की आशा में परिवर्तन जीवावस्था में कैसे देखेंगे? और श्यामवीर भैया ने पूछा है, जीव अवस्था में जीने की आशा के अतिरिक्त परिमार्जन क्या होता है? क्या परिमार्जन केवल ज्ञान अवस्था का गुण है? परिमार्जन जीवन का या जीवन में से के लिए होता है, ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है। तो परिवर्तन जो शब्द है, जड़ के लिए अधिकतर प्रयोग है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन संभव ही नहीं होता है, इसीलिए मात्रात्मक परिवर्तन के बिना गुणात्मक परिवर्तन, तो चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन संभव है। इस स्थिति के लिए मात्रात्मक परिवर्तन रहित गुणात्मक परिवर्तन, इसके लिए जो शब्द है वो परिमार्जन प्रयोग होता है। तो जीवन में ही परिमार्जन की संभावना रहती है, और चूंकि जीवावस्था में भी जीवन होता है, वहां भी परिमार्जन संभव है। वहां परिमार्जन क्या है? जीने की आशा में परिवर्तन। जीने की आशा का अर्थ है शरीर को जीना, शरीर को जीने का स्थान मानकर उस शरीर को चलाना, उसी में चार विषयों के द्वारा उस परंपरा को बनाए रखने में जीवन की भागीदारी बनी रहती।
यहाँ पर परिमार्जन यही हो सकता है कि इससे श्रेष्ठ शरीर के लिए उसमें आशा बन जाए। तो सर्वश्रेष्ठ शरीर जिसमें जिसको हम कहेंगे कि समृद्धि पूर्ण मेधस तक, समृद्ध मेधस से समृद्ध पूर्ण मेधस तक जो आगे की गति होती है उसी में हम परिमार्जन को देखेंगे, उसको स्वीकारने के लिए जो परिमार्जन हो। सतपाल भाई का है, ब्रह्म में नियंत्रित प्रेरित संरक्षित का क्या आशय है? पूरी जो इकाइयां हैं वो ब्रह्म में ही डूबी है, भीगी है, घिरी। डूबी, भीगी, घिरी तीनों है, अर्थात इकाई नियंत्रित है। अर्थात इकाई की हम किसी भी सीमा को देखने जाएंगे तो इकाई की सीमा व्यापक वस्तु ही, तो इकाई की जो लंबाई चौड़ाई मोटाई निश्चित हो गई, उसकी जो सीमा है व्यापक है, तो व्यापक के होने से वो जो सीमा बन गई, इसीलिए उसको कह रहे नियंत्रण। या एक इकाई दूसरे इकाई को कभी भी छुएगी नहीं, दोनों के बीच में व्यापक वस्तु हमेशा हमेशा रहेगा ही, इसी को नियंत्रण। नियंत्रण होने से दूसरे इकाई अपने आप में संरक्षित होगी, नियंत्रण और संरक्षण एक साथ चलने वाली चीज है। और प्रेरित का अर्थ है कि सत्ता में या व्यापक वस्तु जो निरपेक्ष ऊर्जा है उसमें संपृक्त होने के कारण प्रत्येक इकाई में प्रेरणा है और वो प्रेरित है, इसके कारण वो क्रियाशील हो गया। तो बल संपन्न है, ऊर्जा संपन्न है और क्रियाशील, ये क्रियाशीलता को ही प्रेरणा है। तो प्रेरित का मतलब ब्रह्म में नियंत्रित प्रेरित संरक्षित का मतलब ये हुआ कि उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई जो है वो निश्चित है और वो क्रियाशील। एक और प्रश्न है रंजना बहन का, प्रकृति की स्थिति संकेत ग्रहण को समझाइए, मतलब प्रकृति के संकेत को ग्रहण करना। जैसे कोई भी मानव किसी चीज को समझता है, प्रकृति की किसी इकाई को समझ रहा है, अर्थात उसके जो संकेत हैं उसको ग्रहण करना है, पहचानना, निर्वाह करना वाला भाग से व्यक्त हो रहा है उसको पहचानने योग्य होना, उसको स्थिति संकेत ग्रहण करना। बाबू सिंह नायक भाई का प्रश्न है, आत्मा का व्यापक में अनुभूति कैसे होती? यही आत्मा का प्रकृति की अनुभूति, ये दोनों साथ साथ होता है क्रमशः। जो शुरू में जो मैंने निवेदन किया वो ऐसे ही है, जब ब्रह्मानुभूति हो रही है उसी को अस्तित्व में अनुभूति कह रहे हैं या उसी को सहअस्तित्व में अनुभूति कर रहे हैं, उस समय व्यापक वस्तु और प्रकृति दोनों का अनुभव साथ साथ। तो ये आत्मा का चरम विकास है या जीवन की जागृति है, और इसमें आत्मा और जीव, प्रकृति और व्यापक वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से एक साथ अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न नायक साहब का ही है, जिसमें क्रिया नहीं वह सभी क्रियाओं का आधार कैसे हुआ? तो इकाई में बल एवं क्रिया कहां से आई? इकाई का अर्थ ही है क्रिया, इकाई का अर्थ ही है बल संपन्न, इकाई का अर्थ ही है शक्ति संपन्न। तो बल, शक्ति और क्रिया, इकाई, ये सब एक ही शब्द है। यदि इकाई है तो वो क्रियाशील है, यदि कोई क्रियाशील की बात कर रहे हैं तो वो इकाई है, व्यापक क्रियाशील है ही नहीं और ना हो सकता। तो जब भी हम क्रिया कह रहे हैं इसका मतलब हम इकाई की बात कर रहे हैं, और अपने आप में बहुत सारी चीजें हो जा रही है कि उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई निश्चित है, नियंत्रित है, ये भी हो जा रहा है। तो क्रिया में अपने से इतनी सारी चीजें होती है। तो इकाई में बल एवं क्रिया कहां से आई? देखिए, इकाई व्यापक वस्तु में संपृक्त है। अब इकाई क्रियाशील होने के लिए जो आधार है, एक तो यही हो सकता है कि इकाई ही स्वयं भी क्रियाशील है ना, दूसरा हो सकता है कि चूंकि जो एक व्यापक वस्तु में डूबा भेगा गिरा, इसलिए व्यापक वस्तु ऊर्जा है वही उसका स्रोत। तो क्रियाशीलता का जो स्रोत है वो व्यापक वस्तु हो सकता है या फिर इकाई स्वयं ही हो सकती है। तो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से व्यापक वस्तु निरपेक्ष ऊर्जा है वही इसका स्रोत है ना। और भौतिकवादी विधि से जो परमाणु में ही धन और ऋणात्मक आवेश को मानते हैं, तो इकाई में ही आवेश है और यही आवेश क्रिया का आधार होता है, ऐसा माना जा रहा है। मध्य दर्शन इसको नहीं स्वीकार रहा है, मध्य दर्शन व्यापक वस्तु को ही कारण
निरपेक्ष ऊर्जा मान रहा है, निरपेक्ष ऊर्जा कह रहा है और उसके साथ ये चीजें घटित होती हैं, क्योंकि किसी भी स्थान पर जाओ और कभी भी जाओ ये कभी भी कम नहीं हो रहा है, इसका क्षय संभव नहीं है। जो ऊर्जा है वो निरंतर प्राप्त हो रही है, इसीलिए निरंतर स्रोत चाहिए ऊर्जा के लिए और वो निरंतर स्रोत या तो वस्तु है। इस आधार पर ये ज्यादा मुझे तर्कसंगत लगता है। बाबू सिंह नायक भैया का एक और प्रश्न है, सह अस्तित्व में आत्मा का प्रकटन प्रकृति में से हुआ तो इसका इष्ट प्रकृति ही होगी या व्यापक अथवा दोनों, क्योंकि इसमें कर्ता प्रकृति नहीं एवं व्यापक भी नहीं। भैया क्लियर करें। भैया प्रश्न तो बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें व्यापक तो कर्ता नहीं है, यह बात मध्यस्थ दर्शन में बिल्कुल स्पष्ट, व्यापक कर्ता नहीं, कर्ता जो है इकाई ही हो सकता है। फिर इकाई की दो स्थितियां हैं, जो जड़ और चैतन्य, तो जड़ इकाई केवल क्रिया है, वो कर्ता नहीं है। चैतन्य इकाई में संभावना है, वो क्रिया भी है और कर्ता भी हो सकता है। तो मानव पद जहां से आ गया वहां पर क्रिया भी है जीवन, और जीवन में कर्म स्वतंत्रता भी है। मानव पद के पहले जीवन होते हुए भी उसमें कर्म स्वतंत्रता नहीं, तो क्रिया कर्म और कर्ता ये तीन हम क्रम से अलग अलग देखेंगे, तो हर इकाई क्रियाशील है। कर्म कह रहे हैं मानव को लेकर ही, मानव के पहले हम कर्म नहीं कह पा रहे, कर्म स्वतंत्रता मानव में ही होती है। तो पहला भाग है क्रिया, दूसरा भाग है कर्म, जो कर्म स्वतंत्रता के आधार पर जुड़ा हुआ ये मानव शरीर के साथ होता है। तीसरा जो है कर्म करने में जो स्वतंत्रता प्रमाणित हो जाना, जिसको कर्ता पद कह रहे हैं, कर्म स्वतंत्रता प्रमाणित हो जाना, कर्ता पद हो जाना, वो मानव पद आने से है। तो ये जो तीनों स्थिति है वो प्रकृति में ही होती है, वो व्यापक में नहीं है। व्यापक न तो क्रिया है, न तो कर्म है, न कर्ता है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। रामेश्वरी बहन ने पूछा है, सहज समाधि क्या है, ब्रह्मानुभूति या अस्तित्व में अनुभूति या सह अस्तित्व में अनुभूति, सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव। इसके लिए बाबा जी ने जो शब्द प्रयोग किया है वो सहज समाधि किया है। ये पेज 14 में जो पहला पेज पहला लाइन है उसी में। फाल्गुनी बहन का एक प्रश्न है, आनंद परमानंद दोनों में क्या अंतर है। तात्विक रूप में आत्मा में और बुद्धि में, बुद्धि के प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम आनंद है और आत्मा के प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम परमात्मा। तात्विक रूप में ये अंतर है, लेकिन ये दोनों एक ही साथ प्रभावशील होते हैं, इसीलिए वस्तु के रूप में, अनुभव के रूप में ये एक ही साथ होने वाली चीजें। तात्विक रूप में बुद्धि के प्रत्यावर्तन को आनंद और आत्मा के प्रत्यावर्तन को परमानंद। प्रतिभा बहन का फोन है, प्रश्न है, भैया व्यापक निर्जीव भौतिक वस्तु जैसा होना लगता है, उसे हम कैसे अनुभव करेंगे। व्यापक जो खाली जगह है, आकाश है, सचमुच में देख के तो लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं, और ये निर्जीव जैसा ही लगता है। जागृति में ये मतलब कोई संपूर्ण शक्ति, ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, बल, ज्ञान, चेतना, ये सब समझ में आता है। इसको अनुभव कैसे करेंगे, इसको अनुभव करने के लिए जो विधि है वो जो थोड़े सबसे पहले उसकी बात हुई थी कि मन में अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, तो ये जो प्रक्रिया है इसका अभ्यास करने से इसका अनुभव होगा, ऐसा मध्यस्थ दर्शन का निर्देश है। बाबूजी नायक भैया का फिर से एक प्रश्न है, जीवन में भ्रम से जागृति की यात्रा में जीवन ही प्रकृति एवं व्यापक के मध्य में केंद्रीय भूमि
काम में है, प्रकाश डाले जागृति में देरी का कारण। जीवन ही प्रकृति एवं व्यापक के मध्य में केंद्रीय भूमिका में है। जीवन भी प्रकृति ही है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर शायद आप जड़ प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो जड़ और व्यापक के बीच में केंद्रीय भूमिका में जीवन ही है। भ्रम से जागृति की यात्रा है, तो जागृति में देरी का कारण तीनों कारण है। अपराध एक कारण है, पर धन, पर नारी, पर पुरुष में मतलब जीना या जीने के लिए बाध्यता होना। दूसरा, संबंधों में स्पष्टता नहीं होना, इसलिए संबंधों में न्याय नहीं हो पाना। और तीसरा जो है, आसक्ति होना, तन्मन धन के सदुपयोग में सफल नहीं होना। तन्मन धन के सदुपयोग में ही शंका हो, उसके जो श्रेष्ठता के क्रम में ही शंका हो, इन कारणों से जागृति में देरी। अगला फाल्गुनी बहन का प्रश्न है, आत्मा को ब्रह्मानुभूति हो जाए फिर बुद्धि आत्मा को पहचानती है कि आत्मा को ब्रह्मानुभूति और बुद्धि को आत्मा की अनुभूति एक साथ। मेरे को जो प्रश्न समझ में आ रहा है कि पहले आत्मा को ब्रह्मानुभूति होती है, उसके बाद बुद्धि को आत्मा की अनुभूति होती है, या पहले बुद्धि को आत्मा की अनुभूति होती है उसके बाद आत्मा को ब्रह्मानुभूति होती है, या और यदि एक अलग भाषा में बोलूं तो पहले बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है या आत्मा का पहले प्रत्यावर्तन होता है। ये दोनों चीज अपन यदि क्रम से जाएंगे तो सबसे पहले तो मन का प्रत्यावर्तन होता है, उसके बाद वृत्ति का होता है, उसके बाद चित्त का होता है, उसके बाद बुद्धि का या आत्मा का एक साथ होता है, ये साथ साथ होता है या अलग अलग होता है, ये आपका प्रश्न। इस पर दोनों चीजें लिखी हुई है, दोनों चीजों का मतलब बुद्धि और आत्मा एक साथ प्रत्यावर्तित होते हैं, ये लिखा हुआ है। दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि बुद्धि के प्रत्यावर्तित होने के पूर्व ही आत्मा प्रत्यावर्तित हो जाता है। आत्मा को ब्रह्मानुभूति होती है तभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है। तो ये दोनों साथ साथ भी लिखा हुआ है, और कई बार ऐसा लगता है कि आत्मा को पहले होता है फिर बुद्धि को होता है। और हम जो बढ़ते हुए तर्क से यदि आगे बढ़ते हैं तो पहले चूंकि मन का हुआ, फिर वृत्ति का हुआ, फिर चित्त का हुआ, फिर बुद्धि का होना चाहिए, ये तर्क रूप से ये आना है ना। तो तर्क रूप से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पहले मन का, फिर वृत्ति का, फिर चित्त का, फिर बुद्धि का, फिर आत्मा का होगा, ये एक क्रम बनता है तर्क विधि से। दूसरा जो दर्शन में कहा गया उसमें दोनों प्रकार की चीजें हमको समझ जा रही है कि पहले आत्मा का होता है फिर बुद्धि का होता है, या दोनों का साथ साथ। तो इसके लिए जो हम लोगों ने या मैंने भी खुद बार बार बाबा जी से जिज्ञासा किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों साथ ही होते हैं। मैंने एक प्रश्न ऐसा किया था कि क्या कभी ऐसा होता है कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा और वो देखेगा कि ऐसी आत्मा है जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ है। बोले ऐसा कभी नहीं होगा, जब भी आत्मा बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा वो आत्मा को अनुभव संपन्न ही देखेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया भाषा है कि वे साथ साथ होता है। इसके लिए बाबा जी ने तत्काल शब्द का भी प्रयोग किया, तो दोनों साथ साथ ही होंगे, या जिस क्षण बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा उसी क्षण आत्मा का हो जाएगा। राकेश भैया का प्रश्न है, अध्ययन क्रम में अनुभव की आंशिकता में बोध वाला सूत्र को और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता। अध्ययन जब कर रहे हैं इसका अर्थ है कि हमारे पास एक स्पष्ट रूप से एक वांग्मय है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। वांग्मय अर्थात अनुभव संपन्न व्यक्ति के द्वारा बोला गया या लिखा गया शब्द समूह, इसको हम वांग्मय कह रहे हैं। तो वांग्मय के अध्ययन के समय, तो वांग्मय में जो इंगित कराया जा रहा है जिनके द्वारा, वो तो अनुभव संपन्न है, लेकिन जो व्यक्ति उसको स्वीकारेगा वो उसकी आंशिकता में हो जाएगा। यदि वो बोध को बोध के स्तर पर स्वीकारने वाला है तो वो अनुभव की आंशिकता में होगा। यदि वो और कम स्वीकार करने की स्थिति में है तो वो बुद्धि की आंशिकता में, चित्त में स्वीकारेगा जो, और क्रम से वो नीचे आता रहेगा।
मूल में जब इस अध्ययन कर रहे हैं, किसी दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, किसी पूर्ण दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन क्रम में अपनी पात्रता के हिसाब से जो बुद्धि जब करती है तो बुद्धि को अनुभव की आंशिकता को समझने की शक्ति होती है, लेकिन चित्त में अनुभव की आंशिकता को समझने की शक्ति नहीं है पूरी, तो बुद्धि की आंशिकता को समझ सकता है। वैसे वृत्ति जो है वो चित्त की आंशिकता को और मन जो है वृत्ति की आंशिकता को समझ सकता है। तो ये इसका अर्थ है। फाल्गुनी बहन का एक और प्रश्न है, अभ्यास दर्शन में चिदानंद आत्मानंद एवं ब्रह्मानंद, तो अभ्यास दर्शन के 51 नंबर पेज में लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिखा है कि चिदानंद आत्मानंद एवं ब्रह्मानंद में क्रमशः मानव देव मानव एवं देवी मानव है। अनुभव दर्शन में पेज 14 में लिखा हुआ है कि देव मानव मानवीयता पूर्ण मानव ब्रह्मानुभूति संपन्न है, तो देव मानव देवी मानव और मानव तीनों ब्रह्मानुभूति संपन्न, तो ये दोनों ऐसा लग रहा है कि अलग अलग है कि मानव को एक जगह अभ्यास दर्शन में लिखा है कि मानव में चिदानंद है और देव मानव में आत्मानंद है और दिव्य मानव में ब्रह्मानंद है ना, और इसमें ऐसा लग रहा है। तो दर्शन में प्रमाण शब्द को लिखा हुआ, तो मानव देव मानव दिव्य मानव तीनों ही अनुभव संपन्न है, लेकिन प्रमाण के जगह पर मानव ने कुछ प्रमाण किया है, प्रस्तुत किया है, देव मानव उससे अधिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, दिव्य मानव उससे अधिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं या संपूर्ण प्रमाण को प्रस्तुत कर दिया। तो प्रमाण के क्रम में ये जो मानव देव मानव और दिव्य मानव है ये प्रमाण के पद है, ये प्रमाण के पद है जो प्रमाणित हो गया, तो इसीलिए जो प्रमाणित हुआ है उसी को एक स्थान पर चिदानंद को प्रमाणित कर दिया, एक स्थान पर आत्मानंद को प्रमाणित कर दिया और एक स्थान पर ब्रह्मानंद को प्रमाणित कर दिया। ये तीन प्रकार के प्रमाण के पद मुझे अभी ऐसा समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न जो आए थे वो हो गए हैं, और कोई विशेष यदि चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है, तो ये मैंने अपनी तरफ से बताया कि जो मुख्य जो दर्शन का जो उद्गम है वो किस स्थान पर हुआ है, कि समाधि संपन्न होने के बाद प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और ऐसी स्थिति में जो पूज्य बाबा जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि या फिर मुझे समाधि नहीं हुई है या फिर समाधि अंतिम मंजिल नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर उन्हें संयम करने की प्रेरणा मिली, जिसका सूत्र भी परंपरा में ही है, और उससे फिर अभी तो कुछ नहीं है। और उससे फिर आगे जाके संयम किया और संयम करने पर पूज्य बाबा जी को पूरा अस्तित्व प्रकट हुआ और उसको उन्होंने जो लिपिबद्ध किया है ये मध्यस्थ दर्शन कहला।
रंजना बहन का एक प्रश्न है, भैया बाबा जी के पहले किसी को अनुभव हुआ होगा पर प्रमाण नहीं मिलने का क्या कारण रहा? ये बताना बहुत ही मुश्किल है आज की समय में, क्योंकि यदि जब 50 साल पहले या जब परमाणु को लोग नहीं जानते थे उस समय ये यदि दर्शन आया होता तो किस ढंग से व्याख्या होती? अभी मानव जाति में परमाणु एक सत्य के रूप में बैठ गया है, लोगों ने यह मान लिया है कि परमाणु है और वो सत्य है। ये भी स्वीकार कर लिया है कि परमाणु के मध्यांश में नाभिक में बहुत अधिक शक्ति होती है, तो ये भी स्वीकार लिया है, इसको लगभग सत्य जैसा ही मान लिया है। देखिए लोग हिमालय नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ का बैठा हुआ आदमी ये स्वीकार करके बैठा है कि हिमालय में बर्फ देखा नहीं है। कैसे? तो हिमालय के जो पड़ोस वाला है वो देखता है हिमालय को और वो बोलता है, तो उससे जो 100-200 किलोमीटर के लोग हैं उस वहां के सब लोगों की बात सुनते रहते हैं और उन लोग मान लेते हैं कि हाँ हिमालय में बर्फ होगा, ये लोग देख रहे हैं तभी तो बोलते हैं। उनसे 100 किलोमीटर और पीछे के लोग उन लोग को सुनते हैं, तो क्रम से बिना देखे भी बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के भी ये चीज लोगों को हजारों साल से पता है कि हिमालय में बर्फ जमी है। पता है क्या मतलब? ये मान लिए हैं, उस पर कोई संदेह नहीं हुआ है। तो अभी जो लोगों को ये संदेह है इस समय इस युग में कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है ना, बल्कि ईश्वर क्या है उस जगह पर यदि हम जाएंगे तो सबको चलाने वाला कोई कर्ता है, इस पर लोगों को शंका है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्यस्थ दर्शन का जो व्यापक वस्तु है जो ऊर्जा के रूप में है इसको लोग फिर समझ सकते हैं, इसमें लोगों को काफी ये समझने के लिए परंपरागत रूप से जो भौतिकवादी दर्शनों के आधार पर और आदर्शवादी दर्शनों के आधार पर काफी एक आधार बन चुका है कि इसको समझने के लिए हमारी मानसिकता बन सकती है, तो ये स्थिति आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो दर्शन प्रकट हुआ है उसके लिए इस दर्शन को समझने के लिए अधिक ज्यादा अनुकूलता है, लोग उस तरीके से तैयार हो गए हैं और लोग अपने अपने ये आज से मुझे 50-100 साल पहले के बारे में जो सुनता हूँ तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने ही जो धर्म है उसको सुनो, दूसरे के धर्म को आप सुनोगे तो वो आपको ज्ञान नहीं होगा। और 100-200 साल पहले की पूरी घटनाओं को यदि हम देखेंगे, दूसरे के धर्म को सुनने मात्र से उनके पास बैठने मात्र से उनको जाति से धर्म से निष्कासित कर दिया गया, तो बहुत ज्यादा एक प्रकार का विरोध था, रेजिस्टेंस था, एक प्रकार का संघर्ष था। लेकिन आज के समय में इस बात को अच्छा माना जा रहा है कि जो व्यक्ति दूसरे विचारधाराओं को पढ़ता है, ज्यादा विचारधाराओं को पढ़ा हुआ है, सोचा हुआ है, उसको अच्छा माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अनुकूलता आज के समय में है, इसीलिए इस दर्शन को समझा जा सकता है। और यही दर्शन यदि 200-300 साल पहले आया होता मुझे लगता है कि समझने के लिए अधिक अनुकूलता नहीं होती। संदीप भाई का प्रश्न है, संदीप प्रकाश जी देवघर से पूछ रहे हैं, 4:30 और 10 के बीच में 6, 7, 8, 9 भी कोई स्थिति है क्या? या जब चित्त का प्रत्यावर्तन होता है उस समय बुद्धि में अवधारणा बनने लगती है, तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होता है ना, बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, आत्मा का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, आत्मा का फिर परावर्तन भी नहीं हुआ। लेकिन बुद्धि में क्योंकि अवधारणा बन रही है तो उससे प्रत्यावर्तन तो नहीं हो रहा है, बुद्धि के प्रत्यावर्तन का नाम बोध है, लेकिन बुद्धि का परावर्तन कुछ सीमा में हो रहा है। जितनी अवधारणा बन रही है, अवधारणा अर्थात जो सही है, जो धारणा के अनुकूल है, अनुरूप है, उतने मात्रा में फिर संकल्प होगा। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए बाबा जी ने इसको फिर अध्ययन को एक अलग स्थिति भी बोला है। तो 4:30 तो हो ही रहा है, लेकिन न्याय धर्म और जो सत्य है उसकी कुछ आंशिकता में स्पष्टता है और उसके जीने में भी धीरे धीरे चीजें आ रही है। तो इसी क्रम में क्रम से ये बढ़ते बढ़ते अवधारणा में और आगे बढ़ते रहेंगे और अवधारणा क्रमशः होती है और क्रमशः होते होते बोध हो जाएगी। तो इसको 6, 7, 8 नंबर, 6, 7, 8, 9 नंबर देना मुझे नहीं पता कि कितना उचित होगा, लेकिन जो स्थिति है
एक समय में अबोध है और दूसरे क्षण में बोधपूर्ण है, ये घटना तो नहीं होगी, है ना। एक क्षण में अबोध है, दूसरे क्षण में बोधपूर्ण है, वो घटना नहीं होती है। अबोध से बोधपूर्ण होने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम साधना या अध्ययन के रूप में कह रहे हैं, अध्ययन और जीने के रूप में। तो क्रम से तो उत्तरोत्तर विकास होगा, है ना, उत्तरोत्तर जागृति के क्रम में पड़ेगा। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर जैसा बना मैंने प्रस्तुत किया। एक प्रश्न है कि व्यापक को ऊर्जा स्वरूप कैसे समझें। देखिए, सारी इकाइयां व्यापक में निरंतर क्रियाशील है। यदि पृथ्वी को ही देखें तो पृथ्वी का जो परिगति पथ है वो करोड़ों किलोमीटर का है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा कहते हैं कि सूर्य 9 करोड़ किलोमीटर है यहां से दूर, तो उसका जो परिवेश बनेगा वो लाखों किलोमीटर का है, मतलब करोड़ों अरबों किलोमीटर का हो जाएगा। उतने बड़े में घूमने के कारण हर जगह पर पृथ्वी को घूमने की ऊर्जा है। और यदि बड़े ग्रहों को ले लें, जैसे शनि को ले लें या यूरेनस को ले लें, वो फिर खरबों किलोमीटर दूर में घूम रहे हैं। और यदि हम ये थोड़ा देर के लिए ये स्वीकार कर लें कि सूर्य भी अब किसी जगह पर अपनी जगह को बदल रहा है, तो निरंतर इन सब के स्थान बदल रहे हैं और हर जगह पर इनको घूमने के लिए ऊर्जा प्राप्त। तो ये ऊर्जा निरंतर कैसे प्राप्त हो सकती है? ऊर्जा में डूबे रहकर ही, ऊर्जा में भीगे रहकर ही ये प्राप्त हो सकता है, इसलिए व्यापक ऊर्जा के रूप में मुझे स्वीकार हो रहा है। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, पीछे नहीं जा रहा है। अच्छा, ये आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को है, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी का प्रश्न है कि जीवावस्था में आस्वादन शुरू हो ही जाता है, आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही है, और जीवावस्था में आस्वादन तो शुरू हो ही जाता है, स्पष्ट करें। देखिए, मन में आस्वादन और चयन दो प्रकार की क्रिया होती है। जीवावस्था में यदि हम बात करेंगे तो मन तो क्रियाशील है ही है, तो आस्वादन होना चाहिए, है ना। तो तार्किक रूप से ये बिल्कुल सही है ना। और दूसरा जो प्रश्न है, आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाइयों को ही, तो जीवावस्था में जो प्रधान उसका जो धर्म है वो जीने की आशा है। तो शरीर को जीवित बनाए रखने के अर्थ में ही जीवावस्था का संपूर्ण क्रियाकलाप, और मानव का जो संपूर्ण क्रियाकलाप है वो सुख के लिए है। तो सुख के लिए जो न्यूनतम बिंदु बनता है वो आस्वादन से सुखी है, इसीलिए मनुष्य आस्वादन जो कर रहा है वो सुख की अपेक्षा में कर रहा है, सुख की निरंतरता की अपेक्षा में कर रहा है। इसीलिए मानव में यहां से चीजों को देखा जा रहा है, और जीवावस्था में जीने की आशा ही प्रधान कारण है। तो शरीर को बनाए रखना और शरीर की परंपरा को बनाए रखने के रूप में ही हो रहा है। तो यदि हम तर्क के रूप में देखें तो निश्चित रूप से जीवावस्था में आस्वादन शुरू हो ही जा रहा है ना। और परंतु वो आस्वादन जीवन की तृप्ति के अर्थ में नहीं जाता है। देखिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और एक बात कहना का मन हो रहा है कि जीवावस्था में कर्म स्वतंत्रता नहीं है। यदि हम किसी भोजन को कहीं रख देंगे तो बंदर ऊपर चढ़ के उसको ढूंढ के खा लेता है,
और ऐसे जानवर भी कर लेते हैं, जैसा लगता है कि जानवर चोरी कर रहे हैं, है ना, वो पहचान रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा बन रही है वो परिभाषा का आधार ये है कि जीवावस्था में जो जीने का मुख्य कारण है शरीर को बनाए रखना और शरीर की परंपरा को बनाए रखना, ये आधार है। ज्ञानावस्था में शरीर और उसकी परंपरा को बनाए रखना के साथ साथ जीवन की तृप्ति मुख्य है। तो जब जीवन की तृप्ति पता नहीं चल पा रहा है, ऐसी स्थिति में शरीर और उसकी परंपरा को बनाए रखना भी आवश्यक नहीं मान रहा है, वो जीवन की तृप्ति के लिए जूझ जा रहा है, किसी भी सीमा तक चला जा रहा है, शरीर और उसकी परंपरा का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है। यह स्थिति मानव में हो रही है, लेकिन जीवावस्था में ऐसा नहीं होता है ना। जीवावस्था में जीवन की तृप्ति का कोई कारण या कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस आधार पर इस बात को कहा जाता है। तो जो कर्म स्वतंत्रता है, कल्पनाशीलता है, वो उस आधार पे है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कोई भी कर्म नहीं करते, वो बिल्कुल फिक्स्ड काम करते हैं, ऐसा नहीं, काम तो करते हैं लेकिन वो चार विषयों की सीमा तक ही सीमित है, शरीर और उसकी परंपरा तक ही सीमित है, उससे अधिक नहीं जा पा रहे। और मानव में कितना भी हो, कितना भी नीचे गिरेगा, वो हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। उससे ऊपर का अर्थ है कि वो जीवन की तृप्ति के लिए काम करेगा, या फिर वो शरीर की परंपरा बनाए चाहे ना बनाए, ये इसका अर्थ है। फाल्गुनी बहन का एक प्रश्न है, अध्ययन करते समय हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, वो जांचने के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? जांचने के क्राइटेरिया है कि हमारा जो ध्यान है न्याय में अधिक जा रहा है, आस्वादन की अपेक्षा में हम संबंधों को अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिससे आशाबंधन न्याय से समाप्त होता है। आशाबंधन का अर्थ है आस्वादन की जो आसक्ति है, आस्वादन की प्रवृत्ति, उसको आशाबंधन कह रहे हैं। और यदि वो न्याय से नियंत्रित हो जाए, परिवार व्यवस्था में नियंत्रित हो जाए, तो ये माना जाएगा कि एक स्टेप का हमको हम आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार विचार बंधन समाधान से होता है, तो विचार, मेरे विचार सर्वश्रेष्ठ हैं, इसको विचार बंधन कह रहे हैं। मेरे विचार न होकर सार्वभौम विचार के लिए यदि हम जा पाते हैं, सार्वभौम विचार सही है, उधर यदि हमारी प्रवृत्ति बनने लगती है मेरे विचार की अपेक्षा में, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, यदि सार्वभौम है तो वो सही है। इस जगह पहुंच जाना, इस जगह का निर्णय ले पाना, यदि ऐसा होता है तो और आगे की गति मानेंगे, विचार बंधन भी कमजोर हो रहा है या विचार बंधन से मुक्त हो गए। इसी प्रकार इच्छा बंधन प्रामाणिकता से होता है। मुझे लगता है कि इस क्रम में एक बार जांच के देख सकते हैं। ललित जी का फोन है, ललित जी का प्रश्न है, जागृत पुरुष भ्रांत मानव को आत्मा अनुभव करवा सकते हैं? तो भैया, ये यदि करवा सकते होते और एक भी जागृत मनुष्य हुआ होता है तो धरती अभी आत्मा अनुभव वृत्तियों से भरी होती है ना। तो इस स्टेटमेंट को यदि सही मानेंगे तो फिर किसी को कोई जागृत हुआ ही नहीं मानना पड़ेगा, है ना, या फिर ये मानना पड़ेगा कि जागृत पुरुष जो है आत्मा अनुभव करा सकना का मतलब है पात्रता योग्यता नहीं है और तब करा पाना। ये बात को बाबा जी ने बार बार बोला है कि अध्ययन विधि से अवधारणा बनवाई जा सकती है, अवधारणा तक पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया जा सकता है कि मतलब यदि वो चाहे तो दूसरा व्यक्ति जो अध्ययन कर रहा है उसके चाहने पर ही अवधारणा बनेगी, वो नहीं चाह रहा है और जागृत व्यक्ति चाह रहा है तो अवधारणा नहीं बन पाएगी, अवधारणा भी नहीं बन पाएगी। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति में ये क्षमता योग्यता पात्रता होती है कि वो अध्ययन करने वाले को अवधारणा बोध करवा सके, सकता है, यहाँ तक ही सीमा है और अनुभव वो खुद ही करता है। साढ़े चार और दस के बीच में छह सात आठ नौ भी कोई स्थिति है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। फाल्गुनी जी का ललित जी का लेख
चिन्ह कर दी, एक बार स्क्रॉल ऑफ कर दीजिए, क्यों नहीं बन गए, कहाँ रखना पड़ेगा, ये दो फिंगर, अच्छा इतना छोटा सा, अच्छा आ गया, आ गया, अध्ययन करते समय हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं जांचने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये फाल्गुनी बहन का प्रश्न था, इसका उत्तर हो गया। ललित ईशा जी का प्रश्न है, जागृत पुरुष भ्रांत मानव को अनुभव करा सकता है क्या, ये भी प्रश्न हो गया। व्यापक को ऊर्जा स्वरूप कैसे समझें, इसके बारे में भी इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। प्रतिभा बेन का प्रश्न, भैया जब अब तक किसी को अनुभव नहीं हुआ तो हम कैसे उम्मीद करेंगे, बाबा जी को अनुभव हुआ और उससे उन्होंने दर्शन को लिखा है ना, तो ये तो किसी को हुआ नहीं है, ये तो इसको तो अब नहीं मानेंगे, किसी को तो हुआ है, और अध्ययन विधि से अनुभव के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है किसी को हो भी गया हो, तो हमसे प्रतीक्षा करनी चाहिए थोड़े दिन। अंजू सूर्यवंशी जी का प्रश्न है, भैया अस्तित्व सहअस्तित्व के सारे परंपरा शब्दों को बताएं। प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं होता है, परंपरागत शब्द जो हैं अस्तित्व के लिए प्रचलित हैं, अस्तित्व शब्द ही है, और इसके बारे में मुझे अधिक अब भी नहीं समझ आ रहा है, कृष्ण के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, वैसे ही ईश्वर के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, विपिन भाई का प्रश्न है, विपिन बिहारी जी, भैया अस्तित्व को देखना, उन्होंने लिखा है कि सोम भैया के परिचय शिविर में हापुड़ में मैंने जीवन को देखा, ऐसा लगा जैसे अस्तित्व का दर्शन हुआ, सारी अवस्थाओं को देखा, क्या ऐसा संभव है, भैया बिल्कुल संभव है, ऐसा बाबा जी ने लिखा है, और मुझे लगता है कि देखना जो शब्द है वो कई अर्थों में है, जैसे भास को भी देखना कहेंगे, आभास को भी देखना कहेंगे, प्रतीति को भी देखना कहेंगे, और अनुभव को भी देखना कहेंगे, है ना, बाबा जी बार बार कह रहे हैं कि हमने अस्तित्व को देखा, तो अनुभव की रोशनी में देखा,
तो अनुभव की रोशनी के साथ भी देखना संभव है, ये तो स्पष्ट ही है। और अनुभव की रोशनी के बिना लोग देख ही रहे हैं, बिना रोशनी के देख रहे हैं मतलब भास सहित भास पूर्वक देख रहे हैं, या आभास को देख रहे हैं, या जो प्रतीति है उसको देख रहे हैं। तो ये तो देखना बिल्कुल संभव ही है। और कोई अनुभव समेत अनुभव के आधार पर देख रहा है, अनुभव की रोशनी में देख रहा है, उसका प्रमाण भी आएगा फिर। ब्रजेश पटेल जी का प्रश्न है, भैया क्या इस वर्ष मानव तीर्थ में 3 वर्षीय अध्ययन हेतु बैच बनने की कोई योजना है? क्या कोई 1 वर्ष के लिए अध्ययन और अभ्यास